अपने स्वास्थ्य और हेल्थ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में प्रेस करें बेल आइकन वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि वर्मा और आज मैं बात करूंगा 5 प्रोडक्ट्स के बारे में जो आपके सेक्सुअल डिसऑर्डर को काफ़ी हद तक ख़त्म करता है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि सर उन सभी सेक्सुअल प्रोडक्ट्स में कौन सा बेहतर होगा। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन से सेक्सुअल डिसऑर्डर के लिए कौन सा प्रोडक्ट सबसे बेहतर होगा आपके लिए। तो मैं इस वीडियो में बात करूंगा स्पेमैन, टेंटेक्स 4, टेंटेक्स रॉयल, कॉन्फिडो एंड हैमर ऑफ थॉर के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने अभी तक फेसबुक पेज को भी लाइक नहीं किया है तो फेसबुक पेज को लाइक कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हो सके तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुँच सके। इस वीडियो में आपको 5 प्रोडक्ट्स की पूरी जानकारी दी जाएगी, साथ ही साथ इस वीडियो में रेटिंग्स भी बताया जाएगा कि कौन से प्रोडक्ट्स की कितनी रेटिंग्स है इफ़िकेसी के मामले में। अगर आप रेटिंग्स को भी देखते हैं तो आपको पूरी तरह से जानकारी हो जाएगी कि किस प्रोडक्ट्स का क्या इफ़िकेसी है। तो पहले चलते हैं कॉन्फिडो के तरफ। कॉन्फिडो मोस्टली 3 सेक्सुअली डिसऑर्डर को ख़त्म करने की एक मेडिसिन है। ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है। इसका जो उपयोग है वो वीर्य पतन, शीघ्र पतन और नाइट फॉल में काफ़ी बेहतर देखा गया है। इसके जो डोजेज है 1 कैप्सूल ट्वाइस अ डे, यानी आप सुबह 1 कैप्सूल और शाम को 1 कैप्सूल खा सकते हैं। दूध के साथ खाएं या तो फिर पानी के साथ खाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि सर इसका इस्तेमाल कितने दिनों तक करना चाहिए। लेकिन आप जो जब भी इसका इस्तेमाल करें वो थोड़े लंबे समय के लिए करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों में इसका रिज़ल्ट काफ़ी फास्ट दिखता है। 1 से 2 वीक में काफ़ी ज़्यादा लोगों में इसका रिज़ल्ट दिखा, लेकिन कुछ लोगों में इसका जो रिज़ल्ट है काफ़ी देर से दिखता है। तो आप इसका इस्तेमाल 2 से 3 महीनों तक कंटिन्यू करें ताकि आपकी समस्या दूर हो सके। अब आते हैं स्पेमैन पे। स्पेमैन टैबलेट मोस्टली 1 सेक्सुअली डिसऑर्डर को ख़त्म करता है, वो है स्पर्म काउंट की संख्या को बढ़ाना। अगर आपके शरीर में स्पर्म काउंट की संख्या कम है तो फिर आप स्पेमैन टैबलेट का इस्तेमाल आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन होगा। स्पेमैन टैबलेट स्पर्म की काउंट की संख्या को बढ़ाता है, उसके मोटिलिटी में भी अच्छा रोल निभाता है। अगर आपके स्पर्म की गति में कमी है तो वो गति की गुणवत्ता को विकसित करता है। इसका जो डोजेज है वो 2 कैप्सूल सुबह और 2 कैप्सूल शाम का है। अब जानते हैं टेंटेक्स 4 कौन से सेक्सुअली डिसऑर्डर को ख़त्म करने की मेडिसिन है। टेंटेक्स 4 मोस्टली 2 सेक्सुअली डिसऑर्डर को काफ़ी बेहतर ढंग से ख़त्म करता है। फर्स्ट है लो लिबिडो एंड इरेक्टाइल डिसफंक्शन। लो लिबिडो दैट मीन्स इच्छा शक्ति का कम होना। टेंटेक्स 4 काफ़ी हद तक इच्छा शक्ति को बढ़ाता है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ख़त्म करता है। टेंटेक्स 4 का जो डोजेज है वो 2 कैप्सूल ट्वाइस अ डे, यानी 2 कैप्सूल सुबह और 2 कैप्सूल शाम का इसका डोजेज है। अब आते हैं टेंटेक्स रॉयल पे। टेंटेक्स रॉयल मोस्टली लो लिबिडो पे काम करता है, यानी इच्छा शक्ति को बढ़ाता है और स्पर्म काउंट की संख्या को बढ़ाता है। अगर आप में स्पर्म काउंट की संख्या कम है और उसके मोटिलिटी की में कमी है तो वहाँ पे टेंटेक्स रॉयल काफ़ी बेहतर काम करता है। आप जानते हैं टेंटेक्स रॉयल के डोजेस के बारे में। टेंटेक्स रॉयल का जो डोज है वो 2 कैप्सूल वंस अ डे, यानी सोने से पहले आपको 2 कैप्सूल इस्तेमाल करना है। आप दूध के साथ इस्तेमाल करें या तो फिर पानी के साथ इस्तेमाल करें। टेंटेक्स रॉयल का जो डोजेज है वो 2 कैप्सूल वंस अ डे, यानी 1 दिन में 2 कैप्सूल आपको लेने हैं। आप जानते हैं हैमर ऑफ थॉर के बारे में। हैमर ऑफ थॉर काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअली डिसऑर्डर को ख़त्म करने की एक मेडिसिन मानी जाती है। इसका जो उपयोग है वो लो लिबिडो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, अर्ली डिस्चार्ज एंड इंक्रीज पेनिस साइज में काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। लास्ट का जो ऑप्शन है इंक्रीज पेनिस साइज, इसके कारण ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ है और काफ़ी ज़्यादा बिकने वाली मेडिसिन बन गई थी। लेकिन बहुत सारे लोगों में इसका रिजल्ट 0 देखा गया है। बहुत सारे कमेंट्स आए हैं मुझे कि सर हैमर ऑफ थॉर का मैंने इस्तेमाल किया लेकिन वहाँ पे इसका रिज़ल्ट 0 मिला है। मैं बोलूँगा कि हैमर ऑफ थॉर के काफ़ी ज़्यादा डुप्लीकेट्स प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। आप जब भी इस्तेमाल करें आप ओरिजिनल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। आप जानते हैं इसके डोजेज़ के बारे में। इसका जो डोज है 1 कैप्सूल
वंस अ डे है। आप एक कैप्सूल दिन में एक बार लें, दूध के साथ लें या तो फिर पानी के साथ लें। सोने से पहले एक घंटे पहले आप इसका इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा। अब जानते हैं कौन सा प्रोडक्ट किन सेक्सुअली डिजॉर्डर को ख़त्म करने के लिए सबसे बेहतर होगा, क्योंकि पाँचों में से कुछ ऐसे सेक्सुअली डिजॉर्डर हैं जो सेम वर्क करते हैं। पाँचों प्रोडक्ट में उनका सेम वर्क है। आपको साइड में उसके रेटिंग्स भी दिखाए जाएंगे कि कौन सा प्रोडक्ट्स का कितना इफिकेसी है। तो पहले चलते हैं स्पर्म काउंट की संख्या पे। अगर स्पर्म काउंट की संख्या कम है, उसकी मोटिलिटी में कमी है, मोबिलिटी में कमी है, तो स्पेमैन आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन होगा। आप मैनश्योर का कैप्सूल भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी एक बेहतर ऑप्शन है स्पर्म काउंट की संख्या को बढ़ाने के लिए और उसके गति की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए। अगर अर्ली डिस्चार्ज और नाइट फॉल की समस्या है तो कॉन्फिडो एक बेहतर ऑप्शन होगा। कॉन्फिडो काफ़ी बेहतर रोल प्ले करता है नाइट फॉल और अर्ली डिस्चार्ज के केसेस को ख़त्म करने के लिए। अगर आप में लो लिबिडो एंड इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या है, यानी लो लिबिडो इच्छा शक्ति का कम होना और इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या है, तो आपके लिए टेंटेक्स्ट फोर्ट एक बेहतर ऑप्शन होगा। बहुत ही अच्छा वर्क करता है इन सभी मेडिसिन, इन सभी सेक्सुअली डिसऑर्डर को ख़त्म करने के लिए। आप रेटिंग्स के द्वारा भी ये जानकारी ले सकते हैं कि किसका इफिकेसी कितना बेहतर होगा। और पेनिस साइज के लिए मैं कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दूंगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पेनिस साइज को इनक्रीज़ करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं हैमर ऑफ थॉर उस पर वर्क नहीं कर रहा है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप उन दवाओं के पीछे न भागें जो हमेशा प्रचार करते रहते हैं कि इस मेडिसिन से आपके पेनिस के साइज़ में इंक्रीजमेंट होगी। तो मैं नहीं समझता हूं, क्योंकि मैं इसके रिगार्डिंग एक वीडियो भी बना चुका हूं, आप देख सकते हैं संडे मेड टॉक में मैंने उसके रिगार्डिंग बताया था कि सभी व्यक्तियों का जो पेनिस है वो उसके अनुसार होता है। बहुत ही कम, बहुत रेयर लोग ऐसे होते हैं जिनका पेनिस साइज़ छोटा होता है, उनके बॉडी के अनुसार नहीं होता है। तो अगर आप हैमर ऑफ थॉर का इस्तेमाल करते हैं और आप में रिज़ल्ट नहीं दिखता है, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप ओरिजिनल वाला हैमर ऑफ थॉर इस्तेमाल करें, क्योंकि हैमर ऑफ थॉर का जो प्रोडक्ट्स है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत सारे डुप्लीकेट्स प्रोडक्ट्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।